नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त नमन उमराव, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स विद नमन उमराव में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने थंबनेल में क्वेश्चन देखा होगा, जाके ऐसा क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और जब पहली बार दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हमारे आगे फेस होता है जाकर के, तो दोस्तों बहुत ही टिपिकल होता है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना, यानी कि दोस्तों टाइम वेस्टिंग होता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम सीखते हैं इसके कॉन्सेप्ट को, दोस्तों कैसे हम इस क्वेश्चन को आसानी के साथ सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों उस कॉन्सेप्ट की तरफ हम पढ़े जाके, तो उससे रिलेटेड दोस्तों हम छोटे छोटे जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड उन्हें पहले डिस्कस करेंगे, साथ ही दोस्तों उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी आप सीखते चले जाएंगे। यानी कि दोस्तों हमारे कहने का मतलब यही है कि इस क्वेश्चन को आप खुद ही सॉल्व करेंगे अभी जस्ट दोस्तों 2 सेकंड के बाद दोस्तों, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन दे रखा है कि यदि एक्स इक्वल टू 7 + √3 है तो हमें रूट एक्स की मान ज्ञात करना दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों अलजेब्रा की आइडेंटिटी से रिलेटेड एक फार्मूला यूज किया जाता है दोस्तों। वो फार्मूला ये है जाके दोस्तों कि एक ब्रैकेट में ए दे रखा है a + b² = दोस्तों a² + b² + 2ab, इसी का दोस्तों फॉर्मेशन होता है। जैसा कि दोस्तों आपकी स्क्रीन पर दे रखा है x = 7 + √3 दोस्तों, ठीक है। यानी कि दोस्तों आपको पता ही होगा जाकर इसके हमें ऐसे फैक्टर्स करने हैं जाकर के दोस्तों कि बाद में जो फैक्टर दे रखा जाके 4√3 का, ये इस फॉर्मेट में आ जाए, यानी 2ab के फॉर्मेट में दोस्तों, ठीक है। यानी कि दोस्तों पहली बात हमें यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई होना चाहिए, और साथ ही साथ दोस्तों हमें एक √3 का टर्म भी दे रखा है जाकर के। यानी कि दोस्तों अब इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, केवल 2 × 2 में ही तब्दील कर सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों जो बचा हुआ नंबर बचा है 7 को, इसके भी दोस्तों हमें ऐसे फैक्टर करने जाकर के ताकि ये a + b² का फॉर्मेशन क्रिएट हो जाए दोस्तों, ठीक है। अब इसे 7 को दोस्तों हमें ऐसा तोड़ना जाके यहाँ पर जो इस रूट मिले जाके दोस्तों इस पर बेस हो जाना चाहिए। यानी कि दोस्तों यहाँ पर 2 का अगर स्क्वायर करते जाके दोस्तों कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। इसी तरह √3 का स्क्वायर करते दोस्तों कितना जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी कि दोस्तों 4 + 3 = 7 आ गया, और 4√3 के टर्म में हमने इसको राइट डाउन कर दिया। यहाँ से दोस्तों हमें क्या मिल जाके, यानी कि हम कह सकते हैं कि 4 + √3 2 यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। अब इसका दोस्तों हम स्क्वायर रूट ले लेंगे जाकर के, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर वाला टर्म जो दे रखा है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और स्क्वायर रूट इक्वल टू 4 + √3 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों पूरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी इरर हो गई दोस्तों, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। यहाँ पर 4 नहीं 2 आएगा दोस्तों, ठीक है। 2 + √3 2 + √3 का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी जो ऑप्शन ए दे रखा दोस्तों हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसी टाइप के एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दे रखा है कि x = 11 + √2 है, तो हमें रूट एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसे भी दोस्तों हमें स्क्वायर रूट के टर्म में तोड़ना पड़ेगा जाकर के। सबसे पहले जो दोस्तों 6√2 दे रखी है, इसको 2ab के फॉर्मेट में हमें तोड़ना है। तो 6 को दोस्तों 2 × 3 लिख सकते हैं, और √2 का टर्म एक साथ में दोस्तों, ठीक है। यानी कि √2 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों कितना आएगा, 2 आ जाएगा। अब 11 में 2 यहाँ पर राइट डाउन करते दोस्तों, बची हुई संख्या कितनी बची, 9 बचा जाकर दोस्तों, ठीक है। यानी कि दोस्तों इसको हम क्या लिख सकते हैं जाकर के, 3 का स्क्वायर जाकर दोस्तों, ठीक है। और 2 को क्या लिख सकते हैं, तो √2 2 ये दोस्तों 3 + √2 2 का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर स्क्वायर रूट ले लेंगे जाकर दोस्तों, स्क्वायर का टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 + √2 दोस्तों, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ओके। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इस तरह से दोस्तों यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन सी दे रखा है ये करेक्ट हो जाएगा, ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि यदि x^4 + 1/x^4 = 119 है, तो x + 1/x का मान ज्ञात करना दोस्तों, ठीक है। दोस्तों अगर आपने अलजेब्रा से रिलेटेड हमारे पहले वाले सेशन देखा होगा, तो हमने आपको बताया था जब भी आपको सिंगल टर्म दे दिया जाता है x + 1/x दोस्तों, तो इसका दोस्तों जब डबल पावर हम लोग फाइंड आउट करते थे, तो हमने आपको फार्मूला बताया था जाकर के n² - 2 दोस्तों, ठीक है। इसी बेस पर दोस्तों यहाँ पर भी हम लागू करेंगे जाकर के कि यहाँ पर दोस्तों x^4 + 1/x^4 दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों डबल पावर से हमें सिंगल पावर की तरफ जाना जाकर के, जो हमने -2 किया है, तो वही चीज़ यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, +2 कर देंगे दोस्तों, ओके। इसी तरह ये 119 + 2 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब ये दोस्तों a + b² का फार्मूला बन जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं x² + 1/x² हो जाएगा दोस्तों। तो इधर कितना आ जाएगा, 121। स्क्वायर रूट ले लेंगे जाके दोस्तों क्या बचेगा, x² + 1/x² = दोस्तों कितना आ जाएगा, 11। अब दोस्तों डबल पावर से फिर हमें और उसके सिंगल पावर में जाना जा करके, तो यहाँ पर दोस्तों हम माइनस करते थे, तो यहाँ पर क्या करना दोस्तों, +2 कर देंगे अगेन टाइम्स दोस्तों, ठीक है, ये +2 हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों यहाँ पर हमारा एक और फार्मूला बन जाता है, भैया x + 1/x² बन जाएगा, तो इधर दोस्तों क्या हो जाएगा, 13 आ जाएगा। जब दोस्तों इसका स्क्वायर रूट का टर्म ले लेंगे जाकर के, तो क्या आ जाएगा, x + 1/x = दोस्तों क्या आ जाएगा, √13 आ जाएगा। और यही दोस्तों हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी जो ऑप्शन ए दे रखा दोस्तों हमारा करेक्ट हो जाएगा, ओके। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा दोस्तों कि यदि x + 1/x = √3 है, तो हमें x की पावर 208 + x की पावर 202 की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो
तो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट दोस्तों इसी क्वेश्चन पर छिपा हुआ है, जिसकी मदद से दोस्तों थंबनेल में जो क्वेश्चन दे रखा था उसे आप लोग सॉल्व करेंगे। यानी कि दोस्तों यहाँ पर x प्लस वन अपॉन x इक्वल टू रूट थ्री दे रखा है, तो हम करेंगे क्या दोस्तों, इसका बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे। जब बोथ साइड स्क्वायर करेंगे जाकर दोस्तों ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का दोस्तों हो जाएगा क्या, वन अपॉन एक्स स्क्वायर, और प्लस का दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा, इक्वल टू दोस्तों थ्री हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से दोस्तों हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का वन अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू दोस्तों वन आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे जाकर दोस्तों ये क्या बन जाएगा, एक्स की पावर फोर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का वन इक्वल टू जीरो दोस्तों, ठीक है। इसे दोस्तों हम इक्वेशन वन मान लेते हैं यहाँ पर दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे जरूरी बात ये दे रखी जाकर कि ये जो हमारे पास निकल के आया एक्स की पावर फोर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपसे कहें जाकर के एक्स की स्क्वायर प्लस की पावर क्यूब दोस्तों माइनस प्लस वन की पावर थ्री दोस्तों, ठीक है। तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का यहाँ पर फार्मूला लगेगा जाकर के दोस्तों, ठीक है। तो क्या होता है दोस्तों, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी यानी एक्स स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में दोस्तों ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर के दोस्तों स्क्वायर करेंगे एक्स की पावर फोर आ जाएगा माइनस का ए बी दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वन दोस्तों हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर दोस्तों एक्स की पावर फोर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन की वैल्यू जीरो दे रखी है, तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स की पावर सिक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, क्योंकि पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों ये एक कंडीशन निकल के आती है जाकर के, बस यही दोस्तों सबसे बड़ा लॉजिक था। अब इसके मदद से दोस्तों हम हर एक क्वेश्चन को आगे आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं जाके दोस्तों कि x की पावर 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा कि दोस्तों माइनस वन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आप लोगों को एक बात हमेशा याद रखनी है, जब भी x प्लस वन अपॉन x इक्वल टू रूट थ्री दे दिया जाए तो आपको हमेशा ये याद कर रखना है जाकर दोस्तों कि x की पावर 6 प्लस वन इक्वल टू जीरो फाइंड आउट होता जाकर दोस्तों, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं जाकर कि x की पावर 6 इक्वल टू माइनस वन हो जाएगा। अब हमसे पूछा क्या गया दोस्तों क्वेश्चन, x की पावर 208 प्लस x की पावर 202, तो यहाँ पर दोस्तों हम करेंगे क्या, x की पावर 202 कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास ब्रैकेट में क्या बचेगा, x की पावर 6 प्लस 1 दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों x की पावर 6 प्लस 1 इक्वल टू कितने जी वैल्यू दे रखी है, जीरो, तो ये कितना हो जाएगा, x की पावर 202 मल्टीप्लाई बाय जीरो, तो ये दोस्तों पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी और यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यानी जो ऑप्शन ए दे रखा है करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन है तो आपको ये पूरे काम करना नहीं है, बस आप लोग दोस्तों एक बार इसका करके देख लिया ना जाकर के, जब भी x प्लस वन अपॉन x इक्वल टू रूट थ्री आएगा तो आपको पता होना चाहिए कि x की पावर 6 प्लस वन इक्वल टू जीरो होता है, यानी हम कह सकते हैं कि x की पावर 6 इक्वल टू माइनस वन होगा, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसी पर डिपेंड जो और क्वेश्चन उन्हें कैसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी दे रखा है कि यदि x प्लस वन अपॉन x इक्वल टू रूट थ्री है तो x की पावर 6 प्लस वन अपॉन x की पावर 6 प्लस टू का मान क्या होगा। तो दोस्तों हमें पता है कि जब भी x प्लस वन अपॉन x इक्वल टू रूट थ्री दिया होता है तो इसका मतलब यही है क्या दोस्तों कि x की पावर 6 प्लस वन इक्वल टू जीरो, या हम कह सकते हैं जाकर कि x की पावर 6 इक्वल टू माइनस का वन दोस्तों। ओके, अब यहाँ पर दोस्तों x की पावर 6 प्लस वन अपॉन x की पावर 6 दे रखा है, तो यहाँ पर x की पावर 6 की वैल्यू हम पुटअप कर देंगे, तो यानी हम कह सकते हैं जाकर के दोस्तों कि x की पावर 6 की जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस का वन प्लस वन अपॉन x की पावर 6 की जगह माइनस वन, और प्लस का दोस्तों टू आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस का वन प्लस का टू दोस्तों, कैंसिल आउट हो जाएगा और जीरो दे देगा दोस्तों, ठीक है। यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा, हमारा जो ऑप्शन डी दे रखा है यहाँ पर पूर्णतः करेक्ट है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब आपकी स्क्रीन पर दोस्तों वही क्वेश्चन दे रखा है जो आपके थंबनेल में दे रखा है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग हम उम्मीद करते हैं इसे आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें पता है कि यदि x प्लस वन अपॉन x इक्वल टू रूट थ्री है तो इसका मतलब यही होता है जाकर दोस्तों कि x की पावर 6 प्लस वन इक्वल टू दोस्तों क्या होगा, जीरो। यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं जाकर कि x की पावर 6 इक्वल टू माइनस वन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर x की पावर 17 और प्लस वन अपॉन x की पावर 17 दे रखा है, तो यहाँ पर हमें करना क्या है दोस्तों, मतलब कि दोस्तों कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हमें क्या करना है दोस्तों, जाके दोस्तों x से मल्टीप्लाई करा देना, यानी ये हो जाएगा x मल्टीप्लाई बाई x की पावर 17 अपॉन का x हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों x अपॉन x की पावर 17 मल्टीप्लाई करा देंगे दोस्तों किसने, x से। जब दोस्तों सेम बेस दे रखा होता है जाकर तो पावर ऐड हो जाती है, तो इसमें हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, x की पावर 18 अपॉन x प्लस x अपॉन x की पावर दोस्तों 18 हो जाएगा। अब इसके दोस्तों 6 की पावर में तोड़ लेंगे जाकर दोस्तों, ठीक है। ये हो जाएगा x की पावर 6 की पावर दोस्तों क्या हो जाएगा, 3 अपॉन x प्लस x अपॉन हो जाएगा दोस्तों कितना, x की पावर 6 की पावर दोस्तों 3 हो जाएगा। तो हमें पता है दोस्तों x की पावर 6 कितनी वैल्यू होती है, माइनस 1 दोस्तों, ये हो जाएगा माइनस 1 की पावर 3 अपॉन x प्लस x अपॉन माइनस 1 की पावर 3 दोस्तों, ठीक है। तो हमने दोस्तों आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है कि माइनस 1 की पावर दोस्तों जब ऑड नंबर होती है तो हमेशा हमारे पास वैल्यू क्या आती है जाके दोस्तों, माइनस ही वैल्यू आ जाती है दोस्तों, ठीक है। तो इस टाइम दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन का x, अब यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, माइनस का x दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे जाके दोस्तों क्या बचेगा, x प्लस 1 अपॉन x आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। और x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू कितनी दे रखी है, रूट 3,
यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा माइनस का रूट थ्री दोस्तों, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी जो ऑप्शन बी दे रखा दोस्तों हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों पूछते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और इसके पीछे क्या लॉजिक था दोस्तों, हमने आपको पूरा कॉन्सेप्ट भी सिखा दिया है। इस तरह दोस्तों आज के सेशन यहाँ पर बाइंड अप करते हैं जाकर दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, अगर आपको हमारा सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, हो सके तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये क्वेश्चन ये कॉन्सेप्ट उनके तक पहुँच सके। अगर आप हमारे चैनल के नए व्यूवर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन दोस्तों ऐसे ही कुछ और खूबसूरत क्वेश्चनों के साथ, जिन्हें हम कॉन्सेप्ट विद ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कर रहे होंगे। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।